दरवाजे तो बंद होते ही हैं। कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ताकि एक दिन फिर से खुल सके। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की हाईएस्ट ओपनर बन गई है। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के साथ क्लैश के बावजूद फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया है। साइक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक भूल भुलैया 3 ने पहले दिन के एडवांस बुकिंग में ही 19.22 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वहीं रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धावा बोला और 35.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही। भूल भुलैया 3 ने दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक दी है। शानदार कलेक्शन के साथ ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की हाईएस्ट ओपनर बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भूल भुलैया 2 के नाम था। साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 14.11 करोड़ की ओपनिंग ली थी। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का मुकाबला अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन से हुआ है। सिंघम अगेन इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। जहां भूल भुलैया 3 ने रिलीज के पहले दिन 35.5 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं अजय देवगन की फिल्म ने 43.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग की है। भूल भुलैया 3 का कलेक्शन भले ही सिंघम अगेन से कम है, लेकिन कार्तिक की फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई करके सभी को हैरान कर दिया है। भूल भुलैया 3 साल 2007 की फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे। 2022 में फिल्म का दूसरा सीक्वल आया, जिसमें कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। अनीस बाजमी के डायरेक्शन में बनी भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन रू बाबा बनकर दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म में तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव भी अहम किरदार में हैं। तो दोस्तों, आपको फिल्म भूल भुलैया 3 कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।